रही हमारे साथ। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर बता दें लखनऊ से, जहां पर लखनऊ में अस्थाई कोविड अस्पताल की शुरुआत हुई है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अस्पताल का उद्घाटन किया। आपको बता दें डीआरडीओ ने लखनऊ में कोविड अस्पताल बताया है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इलाज में सहूलियत मिल सके। लखनऊ में अस्थाई कोविड अस्पताल की शुरुआत हो चुकी है, जिसका उद्घाटन खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। डीआरडीओ ने लखनऊ में ये कोविड अस्पताल बनाया है, जहां पर मरीज अब अपना इलाज करवा सकते हैं। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हॉस्पिटल का उद्घाटन किया लखनऊ में, और वहां मौजूद डॉक्टर्स से भी उन्होंने बातचीत की, हालचाल जाना। और हालांकि पहले ही वो निर्देश दे चुके हैं सख्ती से पालन करने के लिए कि किसी भी मरीज को इलाज में लापरवाही नहीं होनी चाहिए। यह हॉस्पिटल यहां पर आज प्रारंभ हो रहा है। इस हॉस्पिटल में आज हम लोगों ने इसका शुभारंभ किया है। पहले चरण में 250 बेड आज हम यहां पे प्रारंभ कर रहे हैं, जिसमें 150 बेड आईसीयू के होंगे, वेंटिलेटर युक्त हैं। 100 बेड आइसोलेशन के हैं, जो ऑक्सीजन से पूरी तरह आच्छादित हैं। तो 250 बेड आज यहां पर हम लोग डीआरडीओ और आर्मी के माध्यम से संयुक्त प्रयास से राज्य सरकार के साथ मिलकर के ये हॉस्पिटल आज यहां पर प्रारंभ होने जा रहा है। ये काफी बड़ा संबल होगा। तो देखिए, कोरोना मरीजों के लिए ये राहत भरी खबर है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो हालात हैं वो ज़्यादा बेहतर नहीं है। कई ऐसे मरीज जिन्होंने ऑक्सीजन की कमी की वजह से, वक्त पर हॉस्पिटल में बेड ना मिलने की वजह से, एडमिशन ना मिलने की वजह से अपनी जान गंवा दी। ऐसे में ये जो नया अस्पताल का उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है, ऐसे में लोगों के लिए ये राहत भरी खबर है। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद डॉक्टर्स से बातचीत करते नजर आए, और यहां पर क्या सुविधाएं हैं उसका जायजा भी खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वहां पर जाकर लिया अस्पताल में। तो लखनऊ में अस्थाई कोविड अस्पताल की शुरुआत हो चुकी है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अस्पताल का उद्घाटन किया, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वहां पर मौजूद डॉक्टर से भी उन्होंने बातचीत की। और इस वक्त की बड़ी खबर मुंबई से है। मुंबई पहुंची कोरोना वैक्सीन की 1,00,000 डोज। बीएमसी को वैक्सीन की नई खेप मिल चुकी है। वैक्सीन की कमी से 45 प्लस का टीकाकरण था बंद, और अब ये खेप मिल जाने की वजह से एक बार फिर से अभियान शुरू होगा। वैक्सीन आने से टीकाकरण का अभियान एक बार फिर से तेज होगा। जो कमी आई थी, जो गति धीमी पड़ चुकी थी, वो अब इस खेप 1,00,000 डोज वैक्सीन की पहुंच जाने से बीएमसी को वैक्सीन की नई खेप मिली। और ये राहत भरी खबर उन तमाम लोगों को के लिए जो वैक्सीनेशन करवाना चाह रहे थे और डोज नहीं होने की वजह से, वैक्सीन की कमी के चलते वो नहीं करवा पा रहे थे। काफी दिनों के बाद अब फिलहाल मुंबई में एक अच्छी खबर यह आई है कि मुंबई को 1,00,000 वैक्सीन की डोजेस दी गई हैं। हम जैसे कभी खड़े हुए हैं, ये बीकेसी का जंबो कोविड सेंटर है, जिसका एक हिस्सा है जो वैक्सीनेशन के लिए यहाँ पर है। मैं आपको एक बार अपने कैमरामैन से जो कहूँगा, जो आपको पूरा नज़ारा दिखा सकते हैं। कुछ दिन पहले तक, यहाँ तक कहूँगा कल तक, ये पूरा खाली रहता था, क्योंकि यहाँ पर वैक्सीनेशन ही नहीं थी और बड़ी संख्या में जो लोग थे उनको यहाँ पर आते थे और बड़ी मायूसी के साथ वापस चला जाना पड़ता था, क्योंकि जिनका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता था उन्हीं को वैक्सीन की डोज मिलती थी। लेकिन आज जो मामला है, जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, जो बड़ी उम्र के व्यक्ति हैं जिनको स्लॉट मिला हुआ था सेकेंड डोज का, उनको यहाँ पर बुलाया गया है। समझाने में क्या दिक्कत आ रही है? लोगों की क्वेरी सबसे ज़्यादा क्या है? क्वेरी ये है कि कुछ लोगों ने अपॉइंटमेंट नहीं लिया है, और वहाँ पे जो अपने स्टॉक आया है उसमें बोला है कि जिनको अपॉइंटमेंट है वो उनको ही दे दो, फर्स्ट डोज वाले। उन्होंने ऑलरेडी 500 लोगों को अपॉइंटमेंट दिया है। फर्स्ट डोज वाले जिनका अपॉइंटमेंट मिला है, हाँ, फर्स्ट डोज विथ अपॉइंटमेंट ही देना है। सेकंड डोज को बोला है वॉकिंग दे दो। बाकी कुछ लोग ऐसे हैं जिनको अपॉइंटमेंट नहीं है और फर्स्ट डोज है। देखिए, बीएमसी के कर्मचारी हैं, लगातार लोगों को इस तरह की जो क्वेरीज होती हैं उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। हर किसी की अपनी दुविधा है। जो उनको कहा गया है, फर्स्ट डोज वाले जिनको, जिनका अपॉइंटमेंट है, जिनका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हुआ है, उनको यहाँ पर दिखाया जा डोज दी जा रही है। जो 45 साल से उम्र के ज़्यादा के लोग हैं या फिर जो सीनियर सिटीजन्स हैं, उनको वॉक इन की यहाँ पर सुविधा दी गई है, क्योंकि उनका पहली डोज उनको पहले ही मिल चुकी है और दूसरी डोज के लिए उनको इंतज़ार करना पड़ रहा था। हमारा एक डोज हो गया, हम लोग सेवन हिल्स में दूसरा डोज के लिए गए थे, लेकिन उधर भी ऐसे टोकन खलास हो गया।
कल आए थे ना तो गेट के बाहर से भगा दिया। अच्छा, कल आप यहाँ पर आई हुई थी? हाँ, तो कल हम लोग वापस गए, गेट से बाहर भगा दिया। हाँ, बोला नहीं है अभी नहीं मिलेगा, आएगा तो तुम फोन नंबर लो और ये करो। तो आपको आंटी पता कैसे चला कि आज यहाँ पर आपको आने दे दिया जाएगा? हम लोग ये किया, फोन में से इंक्वायरी किया ना, तो बोला आज मिलेगा। तमाम वो लोग हैं जिनको पहली डोज मिल गई थी, दूसरी डोज का इंतजार कर रहे थे, अलग अलग हॉस्पिटल्स में गए, लेकिन वहाँ पर जो वैक्सीन है वही अवेलेबल नहीं थी, इसलिए उनको लगातार मना किया जा रहा था। तो यहाँ पर फिलहाल लोगों में इस बात की तसल्ली है कि वैक्सीनेशन का जो प्रोग्राम है वो जो इतने दिनों से रुका हुआ था वो दोबारा से शुरू हो चुका है, और महामारी के इस दौर में मुंबई के लिहाज से एक अच्छी खबर है। कैमरा पर्सन अजय तरलकर के साथ अंकुर त्यागी, जी मीडिया, मुंबई।